हेलो फ्रेंड्स, इट इज इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्कलाइन मशीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन, जिसे पास्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है, वो शुरुआती मैकेनिकल कैलकुलेटर्स और एडिंग मशीन में से एक थी। इसका आविष्कार 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और इन्वेंटर ब्लेज पास्कल ने किया था। पास्कलाइन को पर्टिकुलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था, जिससे ह्यूमन एरर्स के चांसेस कम हो गए। आइए इसका डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन देखने से पहले इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कोको FM डाउनलोड करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्कलाइन एक मशीन था जो गियर और पहियों की एक श्रृंखला का उपयोग करके संचालित होता था। यह पूरी तरह से एक यांत्रिक उपकरण था और बिजली या किसी बाहरी पावर सोर्स पर निर्भर नहीं था। इसका हर पहिया 0 से लेकर 9 तक के अंक को रिप्रेजेंट करता था। इसमें यूजर एडिशन करने के लिए पहियों को आगे की ओर घुमाते थे और सब्ट्रैक्शन करने के लिए पीछे की ओर घुमाते थे। इसमें अगर एक पहिया पूरा चक्कर लगाता है तो यह अगला पहिया भी घुमाता है। चलिए उदाहरण के तौर पर इस मशीन का वर्किंग समझते हैं। ये एक पास्कलाइन मशीन है जिसमें ये 5 पहिए हैं। यहाँ 5 डिजिट हम ऐड कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है 45 प्लस 45। इसके लिए हमें डिजिट 45 सेट करना होगा। तो जो राइट वाला पहिया है, हम यहाँ पे 45 सेट करेंगे। इसके लिए ये वाला जो पहिया है ये 5 बार घुमाएंगे और ये वाला जो पहिया है ये 4 बार घुमाएंगे, तो मशीन पे 45 सेट होगा। अभी वापस 45 ऐड करने के लिए हमें 5 में 5 और 4 में 4 ऐड करना होगा। अभी 5 डिजिट हमने जहाँ पे सेट किया था तो ये पहिया हमको 5 बार घुमाना है। तो ये हम वापस अगर 5 बार घुमाते हैं तो इसके बाद यहाँ पे 5 जाके 10 आएगा, राइट? 5 प्लस 5 10। अभी 1 है, जितने बार आप पहिया घुमाएंगे उतनी बार 1 डिजिट ऐड होगा। अभी आपको याद होगा हमने पहले बोला था कि 0 to 9 रोटेट होने के बाद उसका अगला व्हील भी रोटेट होता है, तो ये 1 बचा है इसलिए ये 1 बार रोटेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 नहीं 5 होगा। अभी हमको ये 50 मिल गया। अभी जो बचा हुआ 4 है, 4 हमको इसमें ऐड करना है, ये 5 में। तो 4 बार हम रोटेट करेंगे। ये 4 बार रोटेट करने के बाद एक्चुअल में आंसर आएगा अपना 90। तो ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको ये उल्टा घुमाना पड़ेगा। अभी इस मशीन को दोबारा 0 पे रिसेट करने के लिए हर एक डिजिट को 9 नंबर पे लेके आना पड़ेगा और बाद में 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हर डिजिट 0 से सेट होगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो ये था पास्कल मशीन का वर्किंग। पास्कलाइन की एडिंग मशीन अपने समय में एक उल्लेखनीय आविष्कार थी, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी थी और प्रोडक्शन की लागत के कारण इसे व्यापक रूप से अपनाया नहीं जा सका। इसका उपयोग मुख्य रूप से साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, अकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता था। पास्कलाइन पर ब्लेज पास्कल के काम ने मैकेनिकल कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर मशीन में भविष्य के विकास की नींव रखी। सदियों से कई इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स ने पास्कलाइन के बेसिक सिद्धांतों में इम्प्रूवमेंट किया, जिससे अधिक सोफिस्टिकेटेड और प्रैक्टिकल कैलकुलेटिंग मशीन का विकास हुआ, जिसमें थॉमस डी कोलमर के अरिथमोमीटर और अंततः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित प्रसिद्ध कैलकुलेटर शामिल थे। तो ये थी जानकारी पास्कलाइन एडिंग मशीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।